फर्क ड्रामे के अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि इर्सा का झूठ इसकी दोस्तों के सामने आ गया है। वो झूठ जो इर्सा अब तक बोलती आई है कि वो एक आलिशान घर में रहती है और एक बिजनेसमैन की बेटी है। सिर्फ इर्सा के फ़ोन भूल जाने की गलती ने इसकी दोस्तों के सामने इर्सा की बड़ी बनाई इज्जत हाथ में मिला दी। इर्सा की दोस्तों के सामने असलियत खुल जाने के बाद इर्सा फैसला कर लेती है कि अब वो यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी और इर्सा अपने अब्बा को बता देती है कि उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी है क्योंकि इसका झूठ पकड़ा गया है। आरिफ साहब जोर का कहका लगाते हैं। इर्सा ने फैसला कर लिया है कि वो अब अपने झूठ को सच साबित करने के लिए कमाल साहब से शादी कर लेगी। दूसरी तरफ आरिफ साहब दोबारा से हार्ट अटैक का नाटक करेंगे और कमाल साहब से कह देंगे कि साहब मेरी बेटी से शादी कर लें, मेरे सिवा इर्सा का कोई नहीं है। अब तक कमाल हसन धोखे में ही है। कमाल हसन को ये बात पता नहीं चली है कि आरिफ साहब बीमारी का नाटक सिर्फ अपनी बेटी की शादी कराने के लिए कर रहे हैं। मगर ये बात कब तक छुपी रहेगी? अगले एपिसोड में कमाल हसन का इर्सा से आमना सामना होगा और कमाल हसन ने जो अब तक इर्सा को इस नज़र से नहीं देखा था, जिस नज़र से आप देखेंगे और इर्सा के बारे में सोचने लगे हैं। अगली आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि आरिफ साहब इस चार में कामयाब हो जाएंगे या कोई रुकावट आ जाएगी इस रिश्ते में। क्या इर्सा इस रिश्ते के लिए खुशी से राजी हुई है या सिर्फ अपनी दोस्तों पर यह साबित करने के लिए कि उसके अच्छे दिन आने वाले हैं? ये सब जानने के लिए देखिए फर्क ड्रामे का अगला एपिसोड कल रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।